बीजेपी में हरियाणा सीएम पद को लेकर के घमासान छिड़ गया है। बीजेपी में हरियाणा सीएम के कई दावेदार हैं। बिल्कुल, राव इंद्रजीत सिंह की सीएम पद की दावेदारी। इसके अलावा मेरे सीएम बनने का सपना जनता का है, ये राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से कहा गया। अनिल विज की भी सीएम पद की दावेदारी सामने आई है। मैं सीएम पद का दावेदार कहना अनिल विज का, तो वही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सीएम का चेहरा मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी ही है। बीजेपी ने अपना रुख पूरी तरह से इस मामले पर साफ किया। तो जीत अभी तय नहीं हुई है, लेकिन पहले से है मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी की शुरुआत हो चुकी है। कई बड़े नेता जो है वो दावा कर रहे हैं, और ऐसे में देखना है कि कहीं ये गुटबाजी चुनाव में भारी ना पड़ जाए। तो अनिल विज और राव इंद्रजीत खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अनिल विज का साफ कहना है कि मैं सबसे सीनियर नेता हूं, अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा मैं। पार्टी बनाती है या नहीं, ये उनका फैसला है। वहीं इससे पहले गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी सीएम पद के लिए अपना दावा पेश कर चुके हैं। उनका कहना है कि जनता चाहती है कि वे सीएम बने। इस बीच बीजेपी ने साफ कर दिया कि नायब सिंह सैनी बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार हैं। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव और उससे पहले किस तरीके से यहां पर कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर सब अपनी अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा में लगातार दो बार से बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन इस बार डगर काफी कठिन है, और इससे पहले नेताओं की इस तरह की बयानबाजी का क्या असर होगा, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। Z News.